हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं विथ फैमिली पिकनिक पे। तो कहाँ जा रहे हैं वीडियो में आगे देखने से आपको पता चलेगा, तो इसी तरह वीडियो पे बने रहें। और मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी न्यू आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेगी। देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और 25 दिसंबर और 1 जनवरी को तो कहीं भी नहीं निकलिएगा। बहुत ज़्यादा ही रश होता है और इतना भीड़ होता है कि पैर रखने तक का जगह नहीं होता है। हम लोग कोई प्लानिंग करके नहीं आए थे, रेंडमली निकल गए थे से। ये है कोलकाता अलीपुर जू। सुबह आना ही सही रहता है पर हम लोग निकले थे 12 बजे तो यहाँ आकर लेट हो गया था और कुछ सही से देखने भी नहीं पाए थे, ऐसी हड़बड़ में देखे थे। तो हम लोग यहाँ पे इंटर कर चुके हैं और कोई अच्छा सा जगह ढूंढ कर हम लोग पहले वहाँ बैठेंगे। और हम लोग नाश्ता भी करके नहीं आए थे और जो बचा था वो ही लेकर आ गए थे। हम लोग कुछ बना के भी नहीं लाए थे स्पेशली यहाँ आने के लिए, ऐसी अचानक से प्लान बना था तो आ गए थे। तो यहाँ जगह ढूंढ रहे हम लोग, कोई अच्छा सा जगह मिल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग चादर वगैरह बिछा कर बैठ जाएंगे। इतना भीड़ था कि बैठने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। खैर यहाँ पे बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद इतना सा जगह मिला है तो हम लोग चादर बिछा कर बैठ गए हैं। और जो कुछ भी घर से लेकर आए थे हम लोग कुछ लेकर आ गए थे, कुछ मेरी ननद अपने घर से लेकर आ गई थी। तो वही बैठ कर खाने पीने के बाद यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं और लिबान एरम अनम बहुत ही इंजॉय कर रही थी। अनम देखिए दोनों कोई जो बैडमिंटन खेल रही है। और हम लोग यहाँ पे विद फैमिली कौन कौन आए, ये मेरे देवर हैं मजली वाले, उसकी वाइफ, उनकी बेटी और मेरी ननद अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, उनका बेटा लिबान और बेटी, मेरी सास, मेरी देवरानी और मैं दोनों बच्चों के साथ आई हूँ यहाँ पर। यहाँ पे खेल खेलने में अनम के आँख में कुछ पड़ गया था, वही दिखा रही है। तो दिखाने के बाद फिर से खेलने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा ही इन्जॉय कर रही थी। बच्चे लोग इस तरह का जगह को ढूंढते ही है खेलने के लिए और ख़ासकर विंटर में तो और भी अच्छा लगता है। कहीं पिकनिक पे जाओ तो और फैमिली के साथ जाओ तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि फैमिली के साथ जाओ तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने पाता है इंसान। तो बच्चे लोग के साथ साथ हम लोग भी काफ़ी इन्जॉय किए थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम चले गए थे, तो उसके बाद मैं वॉशरूम जा रही थी, उस रास्ते वाला मैं वीडियो दिखाऊँगी। उस जगह में टाइगर वगैरह था तो यहाँ देखिए यहाँ पे शायद वाइट टाइगर है कि लायन पता नहीं, बहुत दूर है समझ में नहीं आ रहा है। तो वॉशरूम से आने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू कर लिए थे जू को घूमना। तो यहाँ पे आए थे तो देखिए दोनों बियर कैसे लड़ाई कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे तो डियर का छोटा सा बच्चा कितना क्यूट लग रहा था। तो अभी हम लोग एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहे हैं, अम्मी को बैठा देंगे क्योंकि अम्मी ज़्यादा चलने नहीं पाती, उनके घुटना में दर्द रहता है। तो अच्छा सा जगह ढूँढ के उनको बैठा दूँगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएँगे। तो ये मेरे देवर की बेटी और नकाब में उनकी वाइफ है मछली वाले देवर की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे बहुत सारा हरन डियर और उसका ये बेबी था, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, अभी न्यू बॉर्न बेबी ही लग रहा है ये। कहाँ है लो? कितना है? 3-4 एकदम स्टैचू बन के लग ही नहीं रखे हैं वाला घड़ियाल दोनों। अब हम लोग जा रहे हैं रेंगने वाले रेक्टाइल एनिमल देखने के लिए। तो इससे पहले मैं जब आई थी तो इसमें बहुत सारे स्नैक्स वगैरह थे, इस बार पता है पता नहीं कितने हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ इसमें क्या क्या है अभी फ़िलहाल। तो अभी जू में ज़्यादातर ये जो है रॉक पैथन अजगर सांप ही नज़र आ रहा है और एक कोबरा शायद था, और कुछ स्नैक्स वगैरह ज़्यादा था ही नहीं। मैं आगे बढ़ आई थी तो पूरा जो ये सब कांच का सब भरा हुआ था सांप से।
तो देखिए यहाँ नज़र आ रहा है बड़ा सा छिपकली, इसको मैं छिपकली बोल रही हूँ, पता नहीं इसको क्या बोला जाता है। और ये देखिए पौधा के नीचे ये सांप है अपने आप को लपेटे हुए, पूरा राउंड में अजगर सांप, और एक यहाँ पे है। देख के डर भी लग रहा है पर आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच का भी सांप है। और एक देखिए यहाँ दीवार पे चढ़ रहा है, जो हम लोग मूवी में देखे थे एनाकोंडा फिल्म में, वो तो बड़ा बड़ा सांप रहता है आदमी को निगल जाता है, पर ये इतना बड़ा नहीं कि आदमी को निगल नहीं पाएगा, इसीलिए इससे डर नहीं लग रहा था ज़्यादा। लेकिन जब मैं इसका वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि ये तो इतना बड़ा नहीं है कि आदमी को निगल जाएगा, फिल्म में तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है। और मैं अपने आप से ये बातें कर रही थी शायद ना बड़ा बड़ा जो है एनाकोंडा सांप जो होता है उसका बेबी ही, इसीलिए ये इतना छोटा नज़र आ रहा है। खैर ये सब देख के हम लोग अब जा रहे थे। और न जाने कैसा इत्तेफाक था, जहाँ भी हम लोग जा रहे थे सब एनिमल को जो है पोटी ही होने वाला था, तो ये जो चीता इधर उधर कर रहा है लेफ्ट राइट, इसको बहुत जोर से पोटी लगी है, थोड़ी देर में करने वाला है ये। तो ये चीता इतना करीब में दिख रहा है और इतना वेटेड है, और सिर्फ इसका फासला दीवार का, ये जो है कांच का दीवार है इतना ही तक का है। ये गलती से निकल गया तो किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको चीर फाड़ के रख देगा। देखिए मैं बोली थी ना सब पुट्टी करने वाला है, तो इसको भी जोरों से पुट्टी लग गई थी, तो ये भी कर लिया बेचारा। जू में जब शाम होने लगती है तो सब एनिमल अपने घर की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसका घर बना होता है। यही एक जो चीता था ये सामने था, तो सब लोग यहाँ भीड़ लगा के कोई इसको देख रहा है, कोई वीडियो ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है। तो एरम और लिबान जो दोनों छोटे थे वो देखने नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे पुलिस था वो इन दोनों को जगह बनाकर दिखा दिया था। तो एरम भी यहाँ पास से देख ली थी चीता को, इसको तो यकीन नहीं हो रहा ये चीता है। चीता को वो देखती है कार्टून वगैरह में, अब ये इसके सामने है तो इसको यकीन नहीं हो रहा था, बहुत ही गौर से देखे जा रही थी। और प्लस क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अम्मी ये क्या है वो क्या है, इतना उसका सवाल का जवाब देने पड़ता है कि मेरा जो है एकदम समझ से बाहर हो जाता है। पानी पीने जा रहा है, पानी पीने ले। ये रॉयल बंगाल टाइगर है, जब मैं आई थी यहाँ पे 4 साल पहले तो ये एकदम फिट था, अभी एकदम लग रहा है बूढ़ा हो गया, एकदम झूल रहा है इसका चमड़ा। और यहाँ मैं आई इसको देखने तो ये भी बेचारा परेशान था पोटी करने के लिए, तो मैं सोची इसको पोटी का वीडियो नहीं आएगा, पर ये देखिए कैमरा में आ ही गया आखिर। तो मैंने कैमरा में दिखा दिया है कि ये पोटी कर रहा है, उसके बाद एकदम घमंड में जा रहा है कि अब इसका पोटी हो गया है। और यहाँ देखिए भाई टाइगर जिंदा है, मैं 4 साल पहले आई थी तो ये भी इसी जगह पे था और अभी भी इसी जगह पे है पिंजरा में कैद बेचारा। इतना कैद करके इसको रखा गया है कि एकदम पतला पतला ये जो जाली नजर आ रहा है, सिर्फ टाइगर सिर्फ हम लोग जो है आँख से देख नहीं पा रहे, कैमरा में नहीं आ रहा। ये पता नहीं क्या है, सियार बोला जाता है इसको या जंगली कुत्ता, आई डोंट नो, पर ये भी पोटी करने के लिए बहुत ही बेचारा बेचैन है। आना वह पाँव पाँव चलने लगी है, तो मुझे कहीं बाहर ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से चल लेती है। हाथ पकड़ लो छोटी अम्मी का। देख झूलवा झूल रहा है। कितना बड़ा पिज्जा है।
क्राउन वाला ताज वाला जो है पीजन है, देखो उसके सर पे क्राउन है ना। और यहाँ देखिए इंडिया के ओल्डेस्ट जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में, वॉलेट प्रूफ एनिमल हिप्पो भी है। तो यहाँ पे देखिए, अरे बाप रे भाई, इसका मुंह इतना बड़ा है कि देखकर डर लग रहा है। नहीं नहीं किसी आ रहे आता है यार, पूछा था नौसिन कैसी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा बड़ा था, ये भी नजर नहीं आ रहा। द ग्रेट एनिमल किंग ऑफ फॉरेस्ट लायन। और यहाँ पे हम लोग देखे डिफरेंट कंट्री का और डिफरेंट कलर का और डिफरेंट साइजेस का ये पीकॉक। जितने भी पीकॉक डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट साइजेस या डिफरेंट कलर के रहे, जो ओरिजिनल पीकॉक का कलर है वही ज़्यादा प्यारा लगता है पीकॉक देखने में। अब हम लोग सब कुछ देख लिए थे, अब जा रहे गेट की तरफ। और सास मेरा जो है वो चलने नहीं पा रही थी, तो उनको एक जगह बैठा दिए थे। तो हम लोग गेट के पास आधे आदमी चले जाएंगे और आधे आदमी चले जाएंगे सास के पास, उनके पास सामान है वो लेकर आने। तो जाते जाते हम लोग यहाँ पे हाथी देख रहे थे, शाम का वक्त है। तो अब खाना दिया जा रहा है जानवर को, अब सब जानवर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग भी अपने घरों की तरफ जाते। आई होप मेरी ये व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये मेरी फैमिली पिकनिक इन जू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।